हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप वीडियो अगर खोल लिए हैं तो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। लाइक करने से कुछ मिलता भी नहीं है और आप लोग का कुछ कटता भी नहीं है, तो बस लाइक करने से यही होता है कि लाइक ज़्यादा मिलते हैं ना, तो बस अंदर से एक खुशी होती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा है, बस यही इतना होता है, सामने वाला मोटिवेट होता है। और जैसे हम किसी को काम करते देखते हैं, उसका जो घर होता है, किचन होता है, साफ़ सुथरा होता है, तो अंदर से लगता है ना कि मैं भी ऐसे करूं, मेरा भी अच्छा लगे, मेरा भी साफ़ सुथरा रहे। इसी तरह से होता है, जब आप लोग लाइक करते हैं ना, तो अंदर से बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। तो यहाँ पे मेरे जो डब्बे हैं ना, एकदम खाली हो गए थे। बड़ा वाला आटे का है और छोटे वाला चावल का है, तो आटा ज़्यादा लगता है तो इसलिए आटे का डब्बा बड़ा है, और चावल कम खाते हैं तो इसलिए चावल का डब्बा छोटा है। वैसे तो मेरे पास खूब बड़े बड़े डिब्बे हैं, लेकिन वो यहाँ का जो किचन है ना, थोड़ा सा छोटा है, तो बड़े वाले डब्बे ना नीचे रैक के नीचे नहीं आ पाते हैं। तो मैं एक तो रखी हूँ बड़ी मुश्किल से, उसमें जैसे किराने का सामान जो आता है डब्बे में, जो नहीं आ पाता है तो उसको जो है उसी डब्बे में डाल के रख देती हूँ। स्टोर जैसे हम किराने का सामान जो होता है ना, स्टोर डिब्बा बनाए हैं उसको, तो उसी में सारे सामान भर के रख देती हूँ। और जब जैसे डेली यूज के जो डब्बे हैं उसमें खाली होता जाता है तो उसमें डालती जाती हूँ। और उसी तरह का एक डिब्बा और है, तो उसको मैं टाड़ पे रख दी हूँ। अभी दीपावली में उतारे थे, साफ़ सफाई किए थे ना, तो बहुत दिन तक वो वैसे छत पे ही पड़ा रहा, तो मेरे हस्बैंड ही फिर उसको धुले और उसको क्या किए ना कि पेंट कर दिए। पेंट था तो पेंट कर दिए। और इसके पहले हम नीचे वाले रूम में रहते थे, तो वहाँ पे पानी की दिक्कत होती थी, तो मैं उसमें पानी भर के रखती थी, तो थोड़ा सा जंग सा लग रहा था, तो मुझसे पूछे भी नहीं और उसको ना एकदम कलर कर दिए। तो बोले कि जंग लग रहा था इसलिए मैंने ऐसे मतलब पेंट कर दिया है, तो मैंने बोला चलो ठीक है। और ऐसे जब ऐसे वाले रहते हैं ना बिना पेंट वाले, तो आप माज दीजिए ना, तो उसमें जो चमक रहती है ना अलग ही रहती है, तो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये दोनों डब्बे खाली हो गए थे, और मेरी आदत है जब मेरे आटे और चावल के डिब्बे खाली हो जाते हैं ना, तो मैं उसमें धुल के ही रखती हूँ दोबारा से फिर। तो ऐसा करने से क्या होता है ना कि जो हमारे आटे चावल रहते हैं नीचे का ना, तो उसको हम एकदम खाली कर लेते हैं और धुल देते हैं। जैसे अभी नहीं धुलेंगे ना, तो नीचे जो मतलब कि किनारे किनारे ऐसे गड्ढे टाइप बने रहते हैं, तो उसमें आटा वगैरह घुसा रहता है, तो फिर वो उसी में जमा रहता है। अगर आप साफ नहीं करेंगे ना, तो फिर उसमें कीड़े हो जाएंगे, तो और इसलिए ना मुझे थोड़ा सा अलग मतलब अजीब सा महसूस होता है बिना धुले अगर हम ऐसे रख देते हैं, तो अंदर से लगता है कि कहीं नीचे कीड़े ना हो, कीड़े ना हो। तो अगर हम साफ़ सुथरा करके रखेंगे ना, तो कीड़े का कोई टेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ पे मेरे डिब्बे धुल गए हैं, और मैं जब बातें करने लगती हूँ ना, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बातें करती हूँ, मेरी हैबिट में है, थोड़ा मैं बातें ज़्यादा करती हूँ। बस मैं सोचती हूँ कि आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। तो यहाँ पे सारे धुल लूँगी, और मैं पहले ना किचन में क्या कर रहे हैं, बाथरूम में धुलती थी, और बाथरूम मेरा छोटा सा है, तो जो गवर्नमेंट रूम में रहते होंगे उनको तो पता ही है, कहीं कहीं पे हमें मतलब कि रूम जो होते हैं बड़े बड़े साइज़ के मिल जाते हैं, और कहीं कहीं पे छोटे छोटे दिए रहते हैं। तो यहाँ पे अभी जहाँ मैं रह रही हूँ, तो बाथरूम थोड़ा छोटा है, और उसमें जो है एक पानी का डब्बा रखा है, स्टोर मतलब पानी स्टोर करके रखते हैं। और पहले छत नहीं थी ना, तो टंकी भी नहीं देख पाते थे कि भरी है कि नहीं भरी है, तो गेहूं का डब्बा था मेरा, तो जब मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ तब यहाँ पे पानी की दिक्कत होती थी, तो इसलिए मैं गेहूं का जो डब्बा था ना उसी में पानी स्टोर करके रखने लगी। तो अभी तो सीढ़ी बन गई है और मैं छत पे ही हूँ, जब से सीढ़ी बनी तो मेरा आधा काम तो छत पे ही हो जाता है।
और पानी भी पता चल जाता है टंकी भरी हुई है कि नहीं भरी हुई है। तो जब पानी की ज़रूरत रहती है तो टंकी का ढक्कन खोल लीजिए। और अभी जो पानी वाला काम है पूरा ख़त्म कर ली हूँ और इसका ढक्कन लगा दूँगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए।